देख सकते हैं इधर लगा हुआ था, बट अभी यहाँ पे बन रहा है और मे बी ये कम्प्लीट नहीं है। हमारे पंकज सर सिविल ब्रांच के टीचर। ओहो, ये ट्रक ड्राइवर सिर्फ एक लाइट लाके चल रहा है। भैया जी एटलीस्ट आप देख तो निरंकार सर, एक भी लाइट नहीं चल रही है पूरे इतने बड़े डीजे में। सो हेलो वन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स एक्चुअली आज है संडे और डेट है 27 नवंबर, और आज मुझे शाम को जाना है एक मैरिज पार्टी में, और लेकिन उससे पहले मेरी बाइक की कंडीशन कुछ सही नहीं है, मतलब बाइक पूरा गंदी हो रखी है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसे ऐसे ही लेके जाऊँ, तो अभी उसे वॉश भी कराना है। फिलहाल अभी मैं उठा हूँ, थोड़ी देर हुआ है, फ्रेश वगैरह हुआ हूँ, तो अभी थोड़े टाइम बाद फिर से रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं, बाइक की वॉशिंग कराते हैं। वॉशिंग कराने के बाद फिर आएंगे, शाम को जाना भी है तो प्रिपरेशन उसकी भी करनी है, तो फिलहाल थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। सो हे वन, अभी हम लोग आए थे नीचे और आप देख सकते हैं कि बाइक कितनी गंदी हो रखी है, पूरा चारों तरफ कचड़ा ही कचड़ा है, तो अभी फिलहाल घर से निकलते हैं और चलते हैं बाइक को धुलवाने के लिए। कौन है तुम? हाँ मंकी। फ्रेंड्स आप लोग देखिए कितना बड़ा मंकी है, ऐसे ही घूमता देखिए। तुम तो मंकी से भी बेकार हो। फ्रेंड आप लोग मिलिए एक नए ब्लॉगर से जो कि अभी अभी बंदर के अवतार लेके आया है सामने, और आप लोग देख सकते हैं इसकी भोली शकल बिल्कुल नहीं जाएगा। आप देखिए इसकी भोली शकल देखिए, देख लीजिए, ये किसी बंदर से कम नहीं है फ्रेंड। अभी निकले थे घर से और टाइम हो चुके हैं 4 PM और शाम के 4 बज रहे हैं, तो आई होप कि आज संडे है तो हमको कहीं क्लीन कराने के लिए कार वाले भैया की शॉप खोली होगी, हम लोग कार वाले भैया के पास ही जाएंगे। फैंसी भैया, कोई कार वाले मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शॉप का नाम ही है कार वाले भैया। अभी हम लोग आए थे कार वाले भैया के पास और ये रही शॉप, चलते हैं यहाँ करा लेते हैं। और सिर्फ फ्रेंड्स आई होप कि शॉप बंद है आज। शॉप तो बंद हो चुकी है, तो अभी फिलहाल चलते हैं हम लोग आगे किसी दूसरे शॉप में, देखते हैं कोई ओपन है कि नहीं है। एक्चुअली फ्रेंड्स आज संडे है तो पूरा मार्केट बंद रहता है, तो लेकिन फिर भी चलते हैं, देखते हैं क्या पता अभी कोई शॉप खुली मिल जाए, अगर खुली होगी तो हम लोग उसकी वॉशिंग करा लेंगे, अदरवाइज फिर आज भी बाइक ऐसी रह जाएगी। सो गाइस यहाँ पे हमको एक शॉप मिल चुकी है और हम बाइक की वॉश यहाँ करा लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। टाइम लगेगा। तो फ्रेंड अभी हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे करा लेते हैं। अभी हम लोग आए थे अपनी बाइक को धुलवाने के लिए और बाइक जो है कि लग चुकी है, आप लोगों को पीछे दिख भी रहा है, तो चलिए फिर बाइक को धुलवाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे और निकलते हैं घर के लिए। वॉशिंग हो चुकी कम्प्लीट, वॉशिंग कराते हैं, लोग निकल चुके हैं, और जहाँ पे हम वॉशिंग कराने गए थे भैया काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मतलब तुरंत वॉश भी कर दिया, और साथ ही साथ जो उनके छोटे भाई थे या कौन थे मुझे तो पता नहीं है, बट वो काफ़ी अच्छे थे, वो चैनल वैनल का भी उन्होंने सब कुछ पूछा और काफ़ी सही था। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, टाइम हो चुके हैं 4:40 और अभी घर पहुँचते हैं, घर पहुँचने के बाद रेडी होते हैं, रेडी होने के बाद फिर निकलते हैं।
सो हे फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू 7 PM और अब निकलते हैं क्योंकि मैं हो चुका हूँ रेडी और मेरा एक फ्रेंड है वेट कर रहा है छतवारी मोड़ पे। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे और टाइम हो चुका है, 7 बज चुका है, तो कह सकते हैं लेट भी हो चुका है, तो लेकिन फिर भी हम लोग निकल रहे हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। निकल चुके हैं घर से और टाइम हो चुके हैं 7:15। मेरा फ्रेंड वेट भी कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं, एक्चुअली मेरे कॉलेज में एक जूनियर है जो कि उसकी बड़ी दीदी की शादी है और वो है चंडेश्वर में। अभी हम लोग यहाँ पे हैं भदली साइड में, तो नियर अबाउट यहाँ से 10-15 किलोमीटर है। आई होप कि आगे ट्रैफिक ना हो। शादी है या फिर कोई पार्टी है, शादी तो नहीं लग रही है, कोई पार्टी है, इसलिए मे भी इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक है। इन लोगों ने दो बम्पर भी बना दिए हैं तो इसलिए व्हीकल्स यहाँ आके स्लो हो जा रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फ्रेंड्स, निकल ही चुके हैं और जाने में नियर अबाउट आपको भी हाफ एन आवर तो लगने वाले हैं, तो हाफ एन आवर बड़ी सख्ती के साथ। रात का टाइम है, ठंड का टाइम है और आई तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से निकलेंगे और निकलने में यहाँ पर नार लगने वाले हैं, यहाँ पर आर हम लोग वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग को मे भी 8 बज जाए। तो 8 बजने के बाद वहाँ पे हम लोग 10-11 बजे तक रहेंगे। वैसे मैंने सोचा है कि मैं रात में ही वापस आ जाऊँगा क्योंकि अदरवाइज अगर आने में लेट हुआ तो फिर से नींद कम्प्लीट नहीं होगी और कल का पूरा रूटीन बिगड़ जाएगा, जिसके कारण से मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं रात में वापस आ जाऊँगा। बाकी अदर फ्रेंड्स आते हैं कि नहीं आते हैं आई डोंट केयर, थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल ठंड हो चुकी है, ठंड का टाइम है तो हाथ भी फ्रीज हो रहे हैं, लेकिन अभी चलेगा। जैसे जैसे फ्रेंड्स जितना लेट होता जाएगा उतना ही ज़्यादा हाथ में फ्रीज कह सकते होना स्टार्ट हो जाएगा, ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगती है। और ख़ास करके वैसे आप जब चल रहे हो तो नहीं पता चलता, लेकिन आप जब बाइक राइड कर रहे हो तो वो भी बिना ग्लव्स के तो पता चलता है। और बाइक में फ्यूल भी नहीं है तो फ्यूल अप भी कराना है। तो अब हम लोग सीधे रुकेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पेट्रोल पंप पे, तो फिर मिलते हैं वहाँ आपसे। तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब ही है, हेल्थ डाउन हो रही है, तो जैसे जब हवा लग रही है कानों में तो और खांसी स्टार्ट हो रही है। आगे भी ये रोड जो है बन रहा है, एक्चुअली रोड नहीं बन रहा है, यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है और रेलवे क्रॉसिंग का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, क्योंकि ये पहले जो क्रॉसिंग है ना वो दूसरे साइड में थी। मीन्स कि ये जो क्रॉसिंग वाला गेट है वे आप देख सकते हैं इधर लगा हुआ था, बट अभी ये यहाँ पर बन रहा है और मे बी ये कम्प्लीट नहीं है, तो अभी हमको इधर से ही जाना पड़ेगा। और देख सकते हैं कि रोड कितना ख़राब हो रखा है, बट कह सकते हैं शॉर्ट वे था तो इसलिए मैंने इसी को प्रेफर किया। ये इधर से बट फ्रेंड्स अब उधर से बनना स्टार्ट हो रहा है और अब मतलब ये सीधा सीधा होगा, पहले ये घूम करके जाता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ओ सीट यहाँ से शायद आगे जाने के लिए बंद है। नहीं नहीं फ्रेंड्स, यहाँ से नहीं जा सकते। क्या हुआ भैया? तो इधर से बिल्कुल फ्रेंड्स अलाउड नहीं है, क्या था? क्या आप सब हो रही है? ओ सीट पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अभी हम लोग को मे बी जो बना नहीं है उधर से जाना पड़े या फिर देखते हैं कोई दूसरा रूट। और हम लोग यहाँ ठंड में अकेले सुनसान रास्तों पे फंस चुके हैं और दूसरा रूट कौन सा जाएगा आई डोंट नो।
जाने से रहा, क्योंकि ये तो पूरा ऐसे एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या पता। ना 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 फ्रेंड्स, ये तो अपने साथ पूरा स्कैम हो गया, पूरा रास्ता ही बंद हो रखा है। तभी हम लोग को सेकेंड वे सिधारी साइड से जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग फंस चुके हैं क्योंकि ये जो रोड है पूरा बंद है, और नेक्स्ट रोड लेने के लिए मुझे नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर वापस पीछे जाना पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, तो अभी पीछे जाना ही पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। एक्चुअली जो रोड पहले था वो तो उन लोगों ने बंद ही कर रखा है, और जो नया खोलने वाले एटलीस्ट वहाँ पे टू व्हीलर्स को तो अलाउ करना ही चाहिए कि टू व्हीलर्स जा सके, मतलब कोई ऐसा रास्ता बनाना चाहिए। लेकिन अब ये एक रूट मेन रोड है फ्रेंड्स, ये अब अगर ये इस तरीके से बंद हो जाएगा तो बाकी अदर जो व्हीकल्स हैं वो तो खैर ठीक है, लेकिन बड़ा दिक्कत होगा। अब हम लोग अगर इधर भी जाते हैं तो फिर इधर से हम लोग को पूरा उधर राउंड होकर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जहाँ से हम आए थे वहीं पर रिटर्न चलते हैं, और रिटर्न चलने के बाद वहाँ से दूसरा रास्ता हम लोग ले लेते हैं, बिलईशा के बाद आगे चले जाएंगे, और आगे से पुरानी सब्जी मंडी से कट होकर के हम लोग फिर से निकल जाएंगे छतवारे वाले रोड पे, जो कि काफ़ी लंबा पड़ेगा हम लोग को यहाँ से वापस जा कर के पुलिस ना जाना, लेकिन और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम लोग अभी आए थे आजमगढ़ रेलवे स्टेशन, आप ये रास्ता देख सकते हैं, ये हम लोग का सीधे चला जाता है रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हमको बिलईशा के लिए आगे ब्रिज पर चढ़ करके ओवर ब्रिज से जाना होता है। तो अभी मैं तो फिलहाल यही प्रीफर कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से जाएंगे बिलईशा, और बिलईशा के बाद पुरानी सब्जी मंडी के जो चौराहा है और वहाँ से हम लोग जो है लेफ्ट टर्न होकर के फिर से निकल जाएंगे छतवाले वाले रोड पे। नाइट में क्या होता है ना कि जो ट्रक ड्राइवर हैं ये लोग निकल जाते हैं, और ओहो ये ट्रक ड्राइवर सिर्फ एक लाइट ला के चल रहा है, दूसरी नहीं जल्दी पता नहीं चला कि ट्रक आ रहा है। एटलीस्ट आप हेडलाइट तो अपनी बनवा लो ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ बड़ी व्हीकल है। अच्छी बात यह है कि रास्ता अच्छा है, हम लोग 60-70 आराम से अप्रॉक्स में हम लोग जो है कवर अप कर ले रहे हैं, तो ये तो 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ गए हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मे भी उसी टाइम पर हम लोग पहुँच जाए। आप लोग कितना बता दो, ये वही मोड़ है जहाँ आप मैं आ गया इस साइड, बस मात्र 50 मीटर पीछे ही वो रास्ता है, वो क्रॉसिंग गई हुई है, और हम लोग को इधर ही जाना था। ओ ओ ओ भैया, कि एटलीस्ट आप देख तो लेते कि कहाँ जा रहे हो, मुड़ते पाएगी कि नहीं बताओ। ट्रक के सामने ऐसे ही रोक रखा है, ट्रैफिक लगाएगा। अगर 5 मिनट भी वो ऐसे ले लिया तो फिर कितनी ट्रैफिक लग जाएगी। तो फ्रेंड, अभी सीन ये है कि फ्रेंड जो मेरा है वो कहीं आके खड़ा है, और उसने मुझे लोकेशन सेंड करा है, छतवारा मोड़ है कि जस्ट थोड़ा आगे वो दिखा रहा है, तो ये ओ ओ और भाई अकेले अकेले ही हो, बाकी कहाँ कोई, रईस सर कहाँ गए, गए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। महेश भाई कहाँ जाना है, कहाँ जाना था, दुर्गा मंदिर से 50 मीटर आगे, मैं देखा नहीं हूँ, मैं नहीं देखा हूँ। चलो, हम लोग आए थे चंडेश्वर, और मे भी यही मैरिज लॉन है जैसा कि महेश भाई कह रहे हैं, हालांकि मैंने तो देखा नहीं, एक्चुअली मैं कभी आया नहीं इधर। आई होप कि सिद्धि विनायक मैरिज लॉन महेश भाई यही है, यही है। तो ये फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुँचे थे अपने लोकेशन पे, और महेश भाई अपने जैकेट अभी रखेंगे अंदर, क्योंकि वो तो बस उनके राइड के लिए था, ठंड लग रही थी। और आप लोग एक बार मैं बैक साइड से दिखा देता हूँ तो आप लोग देख लें, तो यही है मैरिज लॉन। तो चलते हैं अंदर और फिर मिलाते हैं हर एक से, क्योंकि हमारे कॉलेज के हर एक टीचर्स की यहाँ हैं, और हर एक फ्रेंड जो भी मिलेंगे आपसे मिलाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप शादी में आके? ये हैं हमारे पंकज सर, सिविल ब्रांच के टीचर। ओहो, एक्चुअली यहाँ जितने लोग हैं सब तो सिविल के ही हैं, सिविल ग्रुप। क्यों सर? मीट मिस्टर निरंकार सर, ये भी हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए।
सो ये फ्रेंड्स, अभी सीन ये है कि टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं और अभी भी हम लोग यहीं पे हैं। मजाक एक क्लिप नहीं बना रहा हूँ क्योंकि डीजे बज रहा है और कॉपीराइट आ जाएगा। और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे जूनियर जो है कि सेकंड ईयर के बैठे हैं, सिविल ब्रांच के, मैकेनिकल ब्रांच है। और बाकी इधर भी भाई लोग हैं अपने, तो सभी हैं एक साथ, कम्युनिटी बैठी है। बट डीजे के कारण मैं ज्यादा क्लिप नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा तो फिर पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अभी फिलहाल देखते हैं कि यहाँ से कब निकलना होता है। मे भी हम लोग को 12 से ज्यादा हो जाएगा, जैसा भी होता है आपको इन्फॉर्म करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 12 और हम लोग निकल रहे हैं। अपना पूरा ग्रुप ही है, मैं आपको दिखा दूँ। हम इतने लोग हैं, साथ में जाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ आरटीओ तक के लोग चलेंगे, उसके बाद फिर आगे तो मुझे अकेले ही जाना है। तो अभी यहाँ टाइम हो चुका है 12 और निकलते हैं यहाँ से फिर। अभी टाइम हो चुके हैं 12:15 और हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए ज़्यादा स्टॉप ना लेते हैं, तुरंत हम लोग घर ही निकलेंगे। आज एकदम फ्रीज हो रहे हैं, ठंड बहुत तेज लग रही है। एक्चुअली पता नहीं था कि इतना देर हो जाएगा, नहीं तो हम लोग सेफ्टी के साथ आए होते। बहुत सही देर फ्रेंड, अभी अपने साथ सात लोग हैं तो दिक्कत नहीं है रात में रोड में ट्रेवल करने पर। अदरवाइज पुलिस वाले हैं वो भी रात में अकेले देख के रोक देते हैं, लेकिन अभी अपने साथ 7-8 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा और हम लोग सेफली घर पहुंच जाएंगे। भी नहीं रहे आप तो। और अभी हम लोग आ चुके हैं हरवंश को, 10 मिनट और लगने वाले हैं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग अपने घर। तो फिर यहाँ से तो मेरी अकेले ही राइड है। कितना दूर है आप? यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है। पहुँच जाएंगे कितना? फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये डीजे वाला है, एक भी लाइट नहीं चल रही है पूरे इतने बड़े डीजे में, एक लाइट नहीं चल रही है। और कैसे अभी पता चला, कोई देखा नहीं ठंड में क्या है कैसे है, एक लाइट नहीं चल रही है, ना पीछे ना आगे ना कहीं। अभी अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर तो सामने वाले का ही दोष आ जाएगा कि देखा नहीं। आप बताओ, आप देखो, एक भी लाइट नहीं चल रही है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर और यह बटे ठंड बहुत ज़्यादा है और गेट में तो लॉक लग चुके हैं, तो फिर कॉल करते हैं मम्मी को। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर और रात हो चुकी है ज़्यादा, तो फिर चलते हैं सोने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए और जितना पॉसिबल हो उतना शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।